नमस्कार मित्रों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रबर ब्रैंड थेरेपी तो ये क्या नई चीज़ है तो ये है रबर बैंड के माध्यम से ये जो आप रबर देख रहे हैं इसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हमको दो चीज़ें लगेंगी केवल एक जिमी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं ऐसे रबर बैंड लगेंगे हमको ट्रीटमेंट के लिए ये दो रबर बैंड जो रहेंगे ये दो रबर बैंड है इसको हमने एक में एक डाल लिया और ये इस तरीके से ये हमारा एक रबर बैंड तैयार हो गया और इसी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करना सीखेंगे लेकिन इससे पहले हमको सुजोग का जो है वो मिनी करस्पोंडेंस हमको समझना पड़ेगा तो मिनी करस्पोंडेंस समझने के लिए हम फटाफट मिनी करस्पॉन्डेंट को समझ लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है जैसे समानता का सिद्धांत है सुजोक का समानता के सिद्धांत के अंतर्गत एक होता है मेन करस्पोंडेंस जो हमारे हाथों में स्थित होता है एक होता है हमारे उंगली में उंगली में जो करस्पोंडेंस होता है उसे मिनी करस्पोंडेंस कहा जाता है और इसी मिनी करस्पोंडेंस में हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट को हमने कैसे करना है तो इसको हम फटाफट समझ लेते हैं हमारे शरीर को इसमें मुख्य रूप में तीन रूप से बात तीन तरीके से बांटा गया है एक हमारा अपर बॉडी एक हमारा मिडल बॉडी और एक हमारा लोअर बॉडी तो ऊपर का जो बॉडी है हमारा ऊपर के बॉडी में हमारे यहाँ तक जो है यहाँ पे हमारे फेस का एरिया आएगा यहाँ पे हमारा लंग्स का एरिया आएगा डाईफॉम तक और यहाँ पे हमारा पेल्विक कैविटी आएगी तो हम इसको कैसे ये करेंगे कैसे समझेंगे हम उसको देखेंगे अभी तो ये जो नेल जो है हमारे नेल बालों के प्रतीक है नेल। नेल से ऊपर का जो भाग है नेल का ये जो एरिया है ये हमारा हेड एरिया है ये हमारा टॉप ऑफ द हेड है ये हमारा टॉप ऑफ द हेड है ये हमारा फोर हेड है और ये हमारा टॉप ऑफ द हेड है यह हमारा जी वी ट्वेंटी पॉइंट है समझ लो आप और यह हमारा हेड का एरिया है पूरा उसी तरीके से जो इसमें सबसे उभरा हुआ हिस्सा है वो हमारा नाक है उभरा हुआ हिस्सा जो है वो हमारा नोज है उबरा हुआ हिस्सा हमारा नोज है इसके राइट right साइड में एक आइज है लेफ्ट साइड में एक आइज है और बीच में नोज है इसके नीचे हमारा माउथ है माउथ जो है वो हमारा जहां से शुरुआत होता है मतलब हमारी जो आइज़ होती है उसके लाइन में यहाँ पे हमारा ईयर रहेगा लेफ्ट ईयर राइट ईयर और यहाँ से माउथ की शुरुआत होगी हमारे ये हमारा माउथ होगा उसी तरीके से इसी के नीचे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ये बीच का जो पॉइंट होगा ये हमारा थायराइड का पॉइंट होगा और ये दो हमारे टॉन्सिल्स के पॉइंट्स होंगे थायराइड और टॉन्सिल्स इसी तरीके से यहाँ से बीच से एक ईसोफेगस भी होगा हमारा ये हमारा ईसोफेगस की लाइन यहाँ तक आएगी ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारा डायफाम होगा यहाँ पे हमारा लेफ्ट लंग्स होगा यहाँ पे हमारा राइट लंग्स होगा सॉरी ये राइट right लंग्स है ये लेफ्ट लंग्स है यहाँ पे हमारा हार्ट होगा इसी तरीके से जब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे राइट right साइड में सबसे पहला ऑर्गन होगा लीवर इसी के नीचे एक बिंदु होगा गॉल ब्लैडर का उसी तरीके से यहाँ पे जो इसोफेगस जहाँ जुड़ेगा वहाँ पे हमारा होगा स्टमक और इस स्टमक डियोडिनम से यहाँ पे होंगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे एक पॉइंट होगा हमारा स्प्लीन का और एक बिंदु होगा हमारे पेनक्रियास का उसी तरीके से ये जो पॉइंट होगा यहां पर ये होगा हमारा अपेंडिक्स का और इसी से हमारी एक लार्ज इंटेस्टाइन शुरुआत होगी और ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जहाँ ख़त्म होगी ये जो एरिया है ये एरिया जो है ये हमारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन का होगा दो ओहोरी लेडीज़ में यहाँ पे यूट्रस और पुरुषों में यहाँ पे टेस्टीज तो इस तरीके से यह हमारा फ्रंटल बॉडी होगा फ्रंटल बॉडी के बाद में इसका जो बैक साइड होगा बैक साइड में यह हमारा ब्रेन का एरिया होगा पूरा और ये जो फर्स्ट जॉइंट है हमारा फर्स्ट ज्वाइंट जो है ये फर्स्ट जॉइंट जो है हमारा यहाँ पे हमारे सर्वाइकल के सातों वर्टिब्रा हो गए सर्वाइकल के सातों वर्टिब्रा यहीं होंगे उसके बाद आएंगे हमारे थोड़ाइसिक के बारह वर्टिब्रा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और ट्वेल्व ये जहाँ जॉइंट ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे हमारे बारह वर्टिब्रा रहेगी ये एक लाइन में इसके नीचे जो हो गए वो हो गए हमारे पांच वर्टिब्रा वन टू थ्री फोर और फाइव ये हमारे लंबर के वर्टिब्रा हो गए इसके नीचे हमारे कॉकिक्स और टेल बोन इस तरीके से ये हमारा बैक का सरफेस बनेगा अब ये जो हमारा L3 जो पॉइंट होगा वन टू थ्री यहाँ पे हमारी दो किडनी होगी यहाँ अब जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं उसी तरीके से पहला जो जॉइंट होगा पहला जो जॉइंट होगा इसमें ऊपर का जो जॉइंट होगा वो शोल्डर जॉइंट होगा नीचे का जो जॉइंट होगा वह रिस्क जॉइंट होगा उसी तरीके से ऊपर का जो जॉइंट होगा दूसरे इसमें यह हमारा आर्म का एरिया होगा और यह जो जॉइंट होगा यहाँ पे यह जॉइंट होगा हमारा एल्बो जॉइंट और नीचे से जो जॉइंट होगा वो होगा हमारा नी जॉइंट और तीसरे इस पर जो जॉइंट होगा हमारा एक ऊपर का जो जॉइंट होगा वो होगा हमारा हिप जॉइंट और नीचे का जो जॉइंट होगा वो होगा हमारा लो पैर का एंकल जॉइंट अब ये जो साइड है ये राइट साइड हो गई इसकी अब ये लेफ्ट साइड में भी सेम ही होगा लेफ्ट साइड में भी सेम ही होगा ऊपर का जो होगा वो होगा शोल्डर जॉइंट नीचे का जो होगा वो रिस्ट जॉइंट बीच का जो होगा ये ये आर्म का एरिया होगा ये होगा हमारा एल्बो जॉइंट और ये होगा हमारा किडनी ज्वाइंट नी ज्वाइंट और यहाँ पे हमारा ऊपर होगा हीप ज्वाइंट और नीचे का होगा हमारा एंकल ज्वाइंट तो इस तरीके से ये हमारा पूरा बॉडी बनेगा अब यही बॉडी इन पाँचों भी उंगलियों में हम पाँचों भी उंगलियों में हमारे रहेगी अब इसमें आ, जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो एकदम सिंपल होगा ट्रीटमेंट में आपने कुछ नहीं करना है जो भी हमको ये जो है ये हम जो सीख रहे हैं ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए सीख रहे हैं जैसे हम ट्रैवल में ट्रैवलिंग में हैं या और कहीं हैं अगर हमारे पास रबर है हम अगर रबर बैंड रखते हैं तो उसका उसके माध्यम से हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो हमने जो ये जो रबर बनाया था अगर आपके पास आ, अगर इमी, जेट में अगर कोई तकलीफ़ हो रही है जैसे हेडेक की तकलीफ़ हो रही है तो हमने इस रबर को पकड़ा यहाँ पे और यहाँ पे इसको इस तरीके से छोड़ दिया और इसमें तीस पंद्रह से तीस सेकंड के लिए इसको पकड़ के रखा और फिर हमने इसको रिलीज कर दिया और फिर इसको हमने प्रेस कर लिया उसी तरीके से आपके गर्दन में अगर तकलीफ है तो ये हमारा गर्दन का इराका है तो हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको और ये एक दो इसको गुंडालते चले जाएंगे एक दस से बीस सेकंड जितना आपको सहन हो सकता बीस सेकंड तक आप करें और इसको छोड़ दें रिलीज कर दे फिर आप देखेंगे इसको हमने सीधा कर लिए और इसको हमने मसाज कर लिए उसी तरीके से अगर आपको घुटने का दर्द है तो ये जो बीच का जो एरिया है ये घुटने का है तो इधर से राइट नहीं है और इधर से लेफ्ट नहीं है तो हमने इसको पकड़े यहाँ पे और इस तरीके से इसको ट्रीटमेंट कर लिया छोड़ दिए बीस से तीस रहने दिए आपके हिप जॉइंट में तकलीफ हो रही है तो इसको यहां पकड़े हिप जॉइंट में तकलीफ हो रही है मतलब ऊपर कॉम्प्रेशन है हमारे तो इसको हमने पकड़े और ये यहां तक इसको लेके आए पूरा करते हुए और इसको हमने रिलीज कर दिए तो इस तरीके से आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं आशा करता हूं ये जो चीज है ये आपके समझ में आई होगी और आप इसका पूरे पूरे अच्छी तरीके से उपयोग उप लेंगे धन्यवाद